बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करें तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैर खरीत से होंगे। अक्सर क्यूरीज कमेंट्स आए होते हैं कि मुबशिर भाई बड़े कंट्रीज के अलावा कुछ छोटे कंट्रीज भी हमारे साथ शेयर कर दें जिसके ऊपर हम पहले या तो ट्रैवल कर लें या पॉसिबल है कि जेन्युइन टूरिस्ट ही हों कि उन्होंने विजिट करना हो उन कंट्रीज में, तो कुछ इस तरीके के पैकेजेस। वैसे तो आपके लिए हम 5 कंट्री का पैकेज लेकर आ रहे हैं जिसमें आपका सिंगापुर होगा, कंबोडिया होगा, श्रीलंका हो गया, मलेशिया हो गया और थाईलैंड हो गया। इन 5 कंट्रीज के साथ साथ आपको टिकट, होटल, टूर, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर इंक्लूड करवाएंगे। लेकिन मीनवाइल कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जस्ट आप हमें वीजा दे दें, वीजा लेकर के हम खुद ट्रैवल करेंगे, टिकट भी खुद मैनेज करेंगे, अकोमोडेशन भी, टूर एवरीथिंग। उसके लिए आप अजरबैजान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान इन कंट्रीज का ई वीजा ले सकते हैं। वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर इन कंट्रीज की विजिट वीजा की प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। इंडोनेशिया, फिलिपाइन, इजिप्ट, मोरक्को ये वो कंट्रीज हैं जिस पर डायरेक्टली आपके स्टिकर वीजा पासपोर्ट के ऊपर। साउथ अफ्रीका, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, फिलिपाइन, इजिप्ट ये और थाईलैंड इन कंट्रीज के आपके स्टिकर वीजा मिलेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको स्टिकर वीजा ही हो तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होगी। कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर हम ई वीजा लें तो शायद उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। देखें, बेनिफिट तो उसका भी होता है कि जब आपके पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगती, जैसे कि सिंगापुर आपकी एंट्री या एग्जिट पर आपकी स्टैंप नहीं लगती लेकिन आपका इमिग्रेशन का रिकॉर्ड आ जाता है। आप 3-4 लाख रुपए की फॉर एग्जाम्पल टिकट लेकर के जाते हैं तो इट्स मीन कि आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 600 ई वीजा है, आप वहां पर ट्रैवल करते हैं, डिपार्चर अराइवल आपकी स्टैंप्स लगते हैं तो इट्स मीन कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री मैनेज मैटर करती है और चाहे वो छोटा कंट्री हो बड़ा कंट्री डजंट मैटर। मेन क्या होता है, जब भी आप किसी बड़े कंट्री का ट्रैवल प्लान बनाते हो तो उसके अंदर आप ये चीज मेंशन करते हो कि हमने अप्लाई किया है वीजा टूरिज्म के लिए और हमने इन इन कंट्रीज को ट्रैवल किया है। अब ट्रैवल डेफिनेटली हमने बाय ईयर ट्रैवल किया, आपने वहां पर होटलिंग की, आपने वहां पर टूर किया, आपने स्टे किया, तो ये सारी चीजें जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर मैटर करती हैं, ऐड ऑन होती हैं। बड़े कंट्रीज की बात की जाए जिसके अंदर आपके यूरोपियन कंट्रीज में आगे स्पेन की आजकल अपॉइंटमेंट्स प्रॉब्लम अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली पेड मिलती हैं, उसका आप ऐड कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया का आप ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, कैनेडा कर सकते हैं, यूके कर सकते हैं, न्यूजीलैंड कर सकते हैं, यूएसए कर सकते हैं और शेंगेन में इटली, जर्मनी, स्पेन ऑलरेडी मेंशन कर दिए। इन कंट्रीज की इटली और जर्मनी की थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का इशू है, कॉस्टली मिलती है जो भी लोग पाकिस्तान से लेते हैं। कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान से किसी भी कंट्री की विजिट वीजा की सर्विस आपको चाहिए होगी तो डेफिनेटली हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ अभी हम लेकर के जा रहे हैं वर्क परमिट के ऊपर, क्योंकि वर्क परमिट में डायरेक्टली बेनिफिट हमारे उन लोगों को होगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मुबशिर भाई हमें कुछ ऐसा सिस्टम दें जिसमें हम आपको पेमेंट दें और वीजा हमें 100% मिल जाए। देखिए, वो वीजा फिर भी मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा, द रीजन इज कि वो तो वीजा ऑफिसर ने देना है, लेकिन उसकी चूंकि रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि कोई उसमें ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती, बैंक स्टेटमेंट मैटर नहीं करती, आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम मैटर नहीं करती, क्योंकि उस कंपनी को आपकी जरूरत है तो उसमें आपने जस्ट अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट जो भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपने दे करके केस अपना प्रोसेस करवा लेना है। इसके अलावा पाकिस्तान से उम्रे की बहुत ज्यादा सर्विसेज क्यूरीज आती हैं कि आप उम्रे का काम करते हैं, डेफिनेटली की जन्म करते हैं, आपको 1 डे से लेकर 30 डेज तक पैकेज चाहिए हो, 5 स्टार चाहिए हो, 4 स्टार चाहिए हो, 3 स्टार चाहिए हो, इकोनॉमी चाहिए हो, शेयर्ड चाहिए हो, ट्रांसपोर्टेशन शेयर चाहिए हो, प्राइवेट चाहिए हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसी भी एयरलाइन की फ्लाइट टिकट आपको चाहिए हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसकी रीजन ये है कि हम आपको डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल ट्रैवल जितना भी हम करवाते हैं, यानी कि डोमेस्टिक टिकट्स हो, इंटरनेशनल टिकट्स हो, जस्ट आपकी फोन कॉल के ऊपर आपकी टिकट्स इशू हो जाएंगी, पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह के बाद।